दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम फिरोज आतार और आप लोग देख रहे हैं सर्प मित्र फिरोज आतार YouTube चैनल। तकरीबन रात के 11:15 बज चुके हैं। हमारे विनोद थोरात सर, उनके बड़े भाई के घर के पोच में एक इंडियन रसल वाइपर, जिसे हिंदी मराठी में घोनस सांप कहते हैं, भारत का काफी विषारी सांप है। दोस्तों, साल में तकरीबन एक या दो बार उनके बंगले के आसपास या भीतर या बंगले के अंदर, तकरीबन मैं ये 5-6 साल से देख रहा हूँ, इस एरिया में काफी सारे रसल वाइपर्स, जिसे हिंदी मराठी में घोनस सांप कहते हैं, या के काफी लोगों को मैं बहुत बार कह चुका हूँ, जब भी रात का वक्त हो या शाम का वक्त हो, बाहर निकलने के टाइम सतर्क रहे, क्योंकि शायद इस सांप की आबादी यहाँ पर ज्यादा है। तो इसे अभी हम फौरन रेस्क्यू करेंगे और जंगल में, पर्यावरण में, जहाँ पर वो पूरी तरह सुरक्षित है, ऐसी जगह आजाद करेंगे, रिलीज करेंगे। दोस्तों, काफी खूबसूरत और काफी गुस्सेल सांप होता है। सांप को गलती से या जानबूझकर अगर आप लोग सांप के साथ कुछ गलत हरकत करेंगे, तभी सांप अपने बचाव में काटने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, अभी से हमारी टीम के सदस्य इसे रेस्क्यू करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नीचे थोड़ा नीचे से हलो हलो दिखने लगा हलो होता पहले और आगे सोटा ना उठा गले ऐसा सोटा फिर हाँ लुक दोस्तों, आप इस सांप की पुकार सुन सकते हैं। लगभग कुकर के सीटी इतना ये आवाज लगाता है। जब ये ज्यादा गुस्सेल हो जाता है, तभी ऐसे हरकत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने पाताड़ी शहर में से वामन भवनगर इस एरिया में से
एक विषारी गोनस जिसे इंग्लिश में रसल वाइपर कहते हैं और इसे गांव खेड़े में इसे परड़ कहते हैं। काफ़ी विषारी सांप है। अभी कुछ देर पहले इसे हमने रात के वक्त रेस्क्यू किया था। अब पर्यावरण में जंगल में फॉरेस्ट के जंगल में इसे आज़ाद कर रहे रिलीज कर रहे। और दोस्तों अक्सर सांप को तो रात के वक्त ही रिलीज करना बेहतर है, लेकिन कुछ काम के कारण मुझे जैसा मैं सांप को रेस्क्यू करता हूँ उसी तरह सांप को फौरन पर्यावरण में आज़ाद करता हूँ, रिलीज करता हूँ। तो दोस्तों अब तक आपने सर्प मित्र फिरोज आतार इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि हजारों लाखों सांपों का जीव बचाने में हम सक्षम रहें। सांप बचाओ, पर्यावरण बचाओ।